आप सभी का टीम वॉरिट के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और माय सेल्फ मिस्टर पंकज और मेरे साथ में है मिस्टर अंकित जी सर, और हम आपका यहाँ पे ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पे स्वागत करते हैं। और आज इस वीडियो के माध्यम से अंकित जी सर से हम जानेंगे और हम बहुत इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन आंसर यहाँ पे लेने वाले हैं। सर के साथ में हम डिस्कस करेंगे और किस प्रकार से एक व्यक्ति अपने ज़िंदगी में सही डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का चुनाव करके अपने कैरियर को एक बेस्ट कंपनी के साथ में अपना कैरियर बना सकता है, वो सारी चीज़ें आपको अगर इस वीडियो के लास्ट तक अगर आप बने रहेंगे तो आपको इस वीडियो के लास्ट तक आपको सारी चीज़ें 1-to-1 करके आपको यहाँ पे आंसर आपको मिल जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले सर से मैं फर्स्ट क्वेश्चन करना चाहूँगा कि सर डायरेक्ट सेलिंग का इंडिया में क्या स्कोप है पहले तो। ओके दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम अंकित शर्मा है और पंकज जी हमारे बहुत ही यंग एंड डायनेमिक लीडर हैं और बहुत काफ़ी टाइम से हमारे साथ में काम कर रहे हैं, और पंकज जी ने बहुत ही जेन्युइन और बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन किया है। ओके तो डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है, और जिस कंपनी में काम करें क्या वहाँ पर को मोटिवेट तो नहीं किया जा रहा है, क्या आपको वहाँ पर एजुकेशन नाम की कोई चीज़ मिल रही है कि नहीं मिल रही है? तो एजुकेशन के बगैर आप काम नहीं कर पाएंगे। आप इतने बड़े सेक्टर पे काम कर रहे हो, आप मुझे बात बताओ, नेटवर्क मार्केटिंग इतनी बड़ी अच्छी इंडस्ट्री, इतना प्योर बिजनेस है, यहाँ पर आप अगर आपका एजुकेशन नहीं होगा तो आप कहाँ से कहाँ बिजनेस कर पाएंगे? तो एजुकेशन होना बहुत जरूरी है। उसके बाद में कंपनी का विजन देखना है, कंपनी का विजन क्या है, क्या कंपनी आने वाले टाइम के अंदर क्या करने वाली है, कंपनी के क्या प्रोडक्ट्स आने वाले हैं, कंपनी की मार्केट स्ट्रेटजी क्या है, कंपनी क्या टेक्नोलॉजी पर काम करने वाली है, कंपनी का मेन टारगेट्स क्या है, क्या कंपनी आने वाले टाइम में फ्यूचर्स में क्या क्या प्रोडक्ट्स ले जाने वाली, कहाँ काम करने वाली, कंपनी का लास्ट 100 साल का टारगेट्स है कि नहीं है, ठीक है, आने वाले टाइम में 10 साल बाद में भारत के अंदर दुनिया में क्या होने वाला है, क्या उस पर कंपनी भी प्लानिंग कर रही है नहीं कर रही है। तो कंपनी का विजन देखिए, कंपनी का विजन कहीं ये तो नहीं है कि आप लोगों से पैसे लिए और आप लोगों को सिर्फ एक सेल्समैन बना रखा है, ओके ऐसा तो नहीं है। तो ये भी आपको चेक करना है। नेक्स्ट मैं बात करूँ तो टेक्नोलॉजी की, क्या कंपनी टेक्नोलॉजी आने वाले टाइम टेक्नोलॉजी कॉपी कर रही है, तो टेक्नोलॉजी भी हमें देखना जरूरी है। उसके बाद में कंपनी की ग्रोथ है, कंपनी की ग्रोथ क्या चल रही है आप देख लीजिए कि कंपनी इंडिया में काम कर रही है तो ग्रोथ देखना भी बहुत जरूरी है, तो आप कंपनी की ग्रोथ भी देखिए। उसके बाद में बात करता हूँ क्या जो आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वो क्या ग्लोबली मार्केट पर काम कर रही है, क्या जैसे या सिर्फ इंडिया में काम कर रही है, क्या वो ग्लोबली मार्केट में इन द सेंस अमेरिका, जापान, कनाडा, फ्रांस, ताइवान, जर्मनी, इन बड़ी बड़ी कंट्री में काम कर रही है कि नहीं कर रही है? क्योंकि इन कंट्री में अगर कंपनी काम कर रही है तो कंपनी के एथिक्स बहुत अच्छे हैं, आपकी कंपनी के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, आपकी कंपनी का प्लान बहुत अच्छा है। अगर ऐसी कोई आपकी कंपनी है तो उस कंपनी में आराम से आप काम कर सकते हैं। बाकी आप लोगों को मोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना, प्रैक्टिकली होकर आपको पॉइंट देखना, अगर ये पॉइंट है तो आप वहाँ पर काम कर सकते हैं। राइट, थैंक यू। राइट सर, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सही डायरेक्ट सेलिंग कंपनी अभी प्रेजेंट टाइम में कौन सी? देखिए मैं जिस कंपनी का नाम लेने वाला हूँ एक्चुअली, है ना, काफ़ी लोग इस वीडियो को देखेंगे तो आप सर लोग बोलेंगे सर आप जिस कंपनी में काम करें आप उसी का प्रमोशन करेंगे, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, प्रमोशन करना नहीं है। मैं आपको विद प्रूफ में कुछ पॉइंट बताने वाला हूँ कि मैं इस कंपनी में काम क्यों कर रहा हूँ, मुझे ये कंपनी सबसे बेस्ट क्यों लगी है। हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, मैं जिस आज एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, उस प्रोजेक्ट का नाम है एटोमी। ओके एटोमी में हम लोग काम क्यों कर रहे हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। एटोमी क्या है उसके बारे में बताने वाला हूँ। बिल्कुल सर, हम भी वही जानना चाहते हैं कि बहुत सारी कंपनियां हैं लेकिन आपके अनुसार एटॉमिक क्यों बेस्ट है, और लोगों के अकॉर्डिंग आप बता रहे हैं कि बेस्ट आप एक नाम दे रहे हैं तो एटॉमिक बेस्ट क्यों, थोड़ा सा वो आप एक्सप्लेन कीजिए। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि मैं आपको तकरीबन 20-25 पॉइंट बताने वाला हूँ एटॉमिक बेस्ट क्यों है जी, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर अगर सिर्फ और यूट्यूबर की तरह मोटिवेट ही करने लग जाऊँगा तो मोटिवेशंस टेम्परेरी होता है, ओके एजुकेशन परमानेंट होती है। मैं आपको कुछ पॉइंट बताने वाला हूँ, अगर ये पॉइंट अगर आप इनको अगर आप फोकस करते हैं, इन पॉइंट के बारे में अगर अच्छे सोचेंगे, ये देखिए मैं जो पॉइंट बताऊँगा इस पॉइंट को आप तभी समझ पाएंगे अगर आप सुनने और समझने के लिए तैयार हैं, ठीक है। क्योंकि इंडिया के अंदर क्या है कि लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे जितने भी अलग अलग कंपनियों के लोग हैं भारत के अंदर, उनको एक अलग प्रकार से उनका माइंड वॉश किया जाता है, उनको ऐसा माइंड वॉश किया जाता है कि वो नेटवर्क मार्केटिंग अगर किसी अदर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के लोगों के पास में बैठते हैं तो वहाँ पर सिर्फ कंपेयर करने के लिए बैठते हैं। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, पहली बात तो हमारी जो कंपनी है एटोमी, हम जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, इसका किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से कोई भी किसी प्रकार का कंपेयर नहीं है, हम किसी भी कंपनी को कंपेयर नहीं करते, और एटोमी कभी भी किसी भी कंपनी को छोटा बड़ा नहीं समझती। एटोमी बहुत ब्यूटीफुल बिजनेस है, और न ही एटोमी के जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं कभी किसी कंपनी को छोटा बड़ा समझते हैं, क्योंकि एटोमी दुनिया की मात्र ऐसी पहली कंपनी है जो ई कॉमर्स को मार्केटिंग पर ले गई, मार्केटिंग को ई कॉमर्स पर ले गई, आप ऐसे कह सकते हैं। एटोमी का जो कंपटीशन है वो ई कॉमर्स इंडस्ट्री से है, अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, वॉलमार्ट है, पेटीएम है, ऐसे जितने भी ऑनलाइन बिजनेस हैं इनसे हमारा कंपटीशन है। हमारा कंपटीशन
किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से नहीं है, इनसे बहुत एडवांस कंपनी यहाँ पर काम कर रही है। पहली मैं चीज़ बताऊँ तो देखिए, कभी भी कोई इंसान काम करता है किसी भी कंपनी में तो काम क्यों करता है कि उस इंसान को वहाँ पर अर्न करना है। कोई भी इंसान इस इंडस्ट्री में आता है, स्वभाव सी बात है, पैसा कमाने के लिए आता है। जब इंसान इंडस्ट्री किसी भी कंपनी के अंदर रजिस्ट्रेशन करता है तो वहाँ पर कंपनियाँ क्या करती हैं, रजिस्ट्रेशन के नाम पर एक पैकेज देती हैं कि आप मिनिमम 2500 का, 3000 का। तो पॉइंट है, मैंने कंपनी का तो देखा है, काफ़ी कंपनी में क्या होता है कि ऑटोमेटिक रीऑर्डरिंग होती है, मतलब हर महीने अगर आप कुछ परचेज नहीं करेंगे तो आपका जो चेक बनता है उस चेक से कंपनी हर महीने आपका ऑटोमेटिक ऑर्डर जनरेट कर देती है और आपको पता भी नहीं चलता। आपको ऊपर कंडीशंस होती है कि आपको ये प्रोडक्ट हर महीने परचेज करना पड़ेगा। एटोमी के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, जितना भी चाहें, जो भी चाहें, 500, 1000, 2000 का आप हर महीने परचेज कर सकते हैं और कोई भी कंडीशन नहीं है। ओके, नेक्स्ट मैं बात करूँ तो यहाँ पर मिनिमम ऑर्डरिंग, हर कंपनी के अंदर एक मिनिमम ऑर्डरिंग होती है कि आपको 2500, 3000, 5000 का मिनिमम ऑर्डर लगाना पड़ता है या 15000, 20000 जो भी उनका पैकेज होता है। एटोमी के अंदर जब चाहें, जितना चाहें, जो चाहें वो प्रोडक्ट आप यहाँ पर ले सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी मिनिमम ऑर्डरिंग की, ऑर्डर लगाने की कोई भी कंडीशंस नहीं है। तो यहाँ पर हर आदमी जब भी चाहे जितना अपना महीने के 500-500 रुपए की जरूरत की चीज़ें खरीद के भी अपना पर्सनल पीवी एक्युमुलेट कर सकता है, बढ़ा सकता है। जिंदगी में कभी भी आपका पर्सनल वॉल्यूम लैप्स नहीं होगा, वो हमेशा बढ़ता रहेगा। कहने का मतलब यहाँ पे मतलब बाकी कंपनियों की तरह ज्वाइनिंग का नहीं रहेगा कि 8000, 10000, 12000? नहीं सर, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस यही तो इस ब्यूटी इस बिजनेस की, एक्चुअली लोग इसको समझ नहीं पा रहे। अभी क्या है कि बहुत से लोगों को ये चीज़ें उनके जो सीनियर्स अलग अलग कंपनियों के वो उनको समझ नहीं दे रहे इन चीज़ों को लेकर। अगर उनको एटोमी के बारे में बताया जाता तो उनको गलत मिथ्याएं देते हो। मिथ्याएं क्या है वो लास्ट में उनके ऊपर अपन क्वेश्चन करेंगे। अगर यहाँ पर देखिए क्या है कि सर, आप एक इंसान को, दो इंसान को, 5-10 इंसान को आप बेवकूफ बना सकते हैं। इंडिया के अंदर अभी तक मात्र 1.5 साल के 25 लाख के आसपास आईडी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं एटोमी के अंदर। बिल्कुल सर, एटोमी के अंदर तो आप 25 लाख लोगों को पागल नहीं बना सकते, एक आदमी को पागल बना सकते हो आप यहाँ पर। तो कुछ तो है सर यहाँ पर, बिल्कुल एटोमी की सुनामी आने वाली है। और बहुत सी कंपनियों के जो लीडर्स हैं या बहुत सी कंपनियां हैं वो विचलित हो रखी हैं कि एटोमी आएगी तो उनके बिजनेस पर प्रभाव पड़ने वाला है और इफेक्ट पड़ने वाला है। ठीक है, और नहीं भी पढ़े तो सर इससे कोई एटोमी को फर्क नहीं पड़ता। बट फिर भी क्या कि मार्केट के अंदर काफ़ी गलत मिथ्याएं हैं इन चीज़ों को लेके, लोगों को रियलिटी पता ही नहीं कि एटोमी का प्लान क्या है, एटोमी किस विजन पे काम कर रही है। नेक्स्ट जो चीज़ है कंपनी का वो है फ्री ग्लोबल आईडी, यानी जो कंपनी का जो आईडी है वो फ्री है ग्लोबली तौर पे। आप किसी भी कंट्री की बंदे की आईडी अपने नीचे लगा सकते हैं, कोई भी किसी प्रकार का चार्ज नहीं है, आप हमेशा लगा सकते हैं। पर्सनल वॉल्यूम जो आपका नॉट फ्लशिंग, किसी भी कंपनी में काम करेंगे तो उसका जो पर्सनल वॉल्यूम होता है, जो आप पर्सनल वॉल्यूम करते हैं वो क्या होता है कि हर महीने फ्लशिंग हो जाता है। अगर आप पर्सनल वॉल्यूम अगर वो नहीं करेंगे तो आपका ग्रुप का पीवी, ग्रुप का बिजनेस आपको नहीं मिलने वाला। एटोमी के अंदर कभी भी जो पर्सनल वॉल्यूम फ्लशिंग नहीं होगा, पर्सनल वॉल्यूम आपका एक्युमुलेट होगा, प्लस होगा और जिंदगी में वो जुड़ता रहेगा। और जिंदगी में सिर्फ आपको एक ही बार इसका पर्सनल वॉल्यूम करना है, दोबारा पर्सनल वॉल्यूम नहीं करना। सबसे बेस्ट चीज़ इस बिजनेस की ग्रुप पीवी फ्लशिंग विद इन टाइमलाइन नॉट। ठीक है, काफ़ी कंपनी में क्या होता है कि जैसे आपका जो ग्रुप पीवी होता है, ठीक है, और आपने अगर आपने पर्सनल वॉल्यूम नहीं किया आपका, ठीक है, तो आपका क्या होता है जो ग्रुप पीवी होता है वो एक पर्टिकुलर टाइम होता है, हफ्ते का या 15 दिन का जो भी चेक वहाँ पर बनता है एक महीने का, वो फ्लस हो जाएगा। एटोमी के अंदर जब तक आपका पर्सनल चेक नहीं बनेगा, यहाँ पर टीम का चेक नहीं बनेगा, तब तक आपका यहाँ पर वॉल्यूम कभी भी टीम का भी फ्लश नहीं होगा। फ्लश तभी होगा तब कम से कम भी आपकी मिनिमम मैचिंग हो जाएगी। मिनिमम मैचिंग होने के बाद में, चेक बनने बाद में ही आपका ग्रुप का पीवी फ्लश होगा, उससे पहले आपका ग्रुप का पीवी फ्लश नहीं होगा यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट जो है कि एटोमी का जो सबसे बेस्ट जो मुझे चीज लगी वो उसके जो प्रोडक्ट्स हैं, इसके जितने भी प्रोडक्ट हैं सर वो सारे पेटेंट प्रोडक्ट हैं, अपने आप में ग्लोबली तौर पर पेटेंट प्रोडक्ट हैं। मतलब जिस भी इंसान ने अगर एटोमी का कोई भी प्रोडक्ट कंज्यूम कर लिया, इस चीज़ की गारंटी है कि वो इंसान जिंदगी में कभी दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट कंज्यूम कर ही नहीं सकता। उसको वो अच्छा ही नहीं लगेगा, क्योंकि इसकी जो क्वालिटी है वो बिल्कुल फैंटास्टिक आने वाली है। इसके जो प्रोडक्ट आने वाले हैं, पर्सनल केयर, हेल्थ केयर, ब्यूटी के, स्किन केयर, ओके, फूड सप्लीमेंट, ठीक है, इसके अभी इस प्रकार के प्रोडक्ट भी इंडिया में लॉन्च होने वाले हैं। सर यहाँ पे सुनने में जैसे आया कि कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं वो लगभग 1 लाख से भी ज़्यादा आने वाले। सर बिल्कुल, बेसिकली कंपनी का अभी इंडिया में जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो है 30 से 40 प्रोडक्ट। वैसे इंडिया में रजिस्टर्ड तो 100 से ज़्यादा प्रोडक्ट हो चुके हैं, बट 30 प्रोडक्ट के आसपास में कंपनी इंडिया में स्टार्टिंग में लेके आ रही है। बट कंपनी का जो विजन आने वाले टाइम में वो 1 लाख प्लस प्रोडक्ट का है इंडिया के अंदर लाने का और काफी कंट्री में लाने का। तो 1 लाख से ज़्यादा प्रोडक्ट, बिल्कुल 1 लाख से ज़्यादा कंपनी के प्रोडक्ट होंगे। और वो हम सब लोगों के लिए वो दिन बहुत ही एक, ये मान लीजिए कि बहुत ही शानदार होने वाला है। सर इनका प्रोडक्ट की जो कॉस्टिंग है उनको लेके क्या है थोड़ा सा, मैंने सुनने में आया कि थोड़ा सा प्रोडक्ट महंगे यहाँ पे। सर बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रोडक्ट आप किससे कंपेयर कर रहे हैं पहले मुझे बताएं, एटोमी के प्रोडक्ट को। काफी लोग बोलते हैं कि सर एटोमी की टूथपेस्ट महंगी है, आप किससे कंपेयर कर रहे हैं मुझे बताएं भाई, महंगी किससे महंगी है, मुझे इस चीज का जवाब दें कि किससे महंगी है।
भाई कोलगेट से महंगी, कोलगेट से आप कंपेयर कर ही नहीं सकते, एटॉमिक टूथपेस्ट तो यूनिक चीज़ है। आप गूगल पे डाल के देखिए, आप अमेजन पे डाल के देखिए एटॉमिक टूथपेस्ट। कहने का मतलब है कि एटॉमिक, सर मैं बता दूं एटॉमिक के जितने भी प्रोडक्ट हैं वो सस्ते नहीं अच्छे हैं, और एब्सोल्युटली क्वालिटी के एब्सोल्युटली प्राइस के अंदर आपको एब्सोल्युटली क्वांटिटी की चीज़ आपको मिलने वाली है। मतलब आपके कहने का मतलब ये होगा कि जो भी प्रोडक्ट है वो बिल्कुल यूनिक है, पेटेंट है, तो उनका कंपैरिजन हम कर ही नहीं सकते। बिल्कुल कंपेयर हो ही नहीं सकता किसी के साथ, और कंपैरिजन उसी चीज के। सर मुझे देखिए क्या है कि एटॉमी की जो यूएसपी है ना वो इसका प्रोडक्ट है। एटॉमी एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। अगर कंपनी को प्रोडक्ट बेचने होते तो वो क्या करती, लोगों को एज ए कंडीशन लगाती है आपको हर महीने इतने महीने प्रोडक्ट बेचने हैं, और कंपनियों की तरह हमें भी वो सेल्समैन बनाती है। एटॉमी के अंदर कंपनी कहती है कि मैं किसी को सेल्समैन नहीं बनाती, और कंपनी की तरह हम लोगों को सेल्समैन नहीं बनाते, हम लोगों को कंज्यूमर बनाते हैं। अगर एटॉमी के प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी नहीं होती, अगर दम नहीं होता, तो क्या मुझे बताया क्या एटॉमी इतना बड़ा बिजनेस कर चुकी होती? क्या एटॉमी मात्र 10 साल के अंदर एटॉमी 1.5 US billion का बिजनेस कर गई होती? सारा बिजनेस उसका ई कॉमर्स पे। अगर इसके प्रोडक्ट अच्छे हैं तो लोग ई कॉमर्स पे यूज शॉपिंग करते हैं इसकी। सही बात है, लोगों को तो प्रोडक्ट इसके अच्छे हैं और बहुत ही एब्सोल्युटली क्वालिटी के हैं, और क्वांटिटी बहुत शानदार है, और प्राइस भी इसकी बहुत शानदार अफोर्डेबल है, हर इंसान अफोर्ड कर सकता है। कहने का मतलब प्रोडक्ट्स के लोगों को वैल्यू मिल रही है तभी कंपनी। इसके मैं बता दूं आपको, मैं इसके जितने भी प्रोडक्ट हैं आपको बता दूंगा मैं, इसके काफ़ी प्रोडक्ट हैं, हिमोइम है, स्किन केयर के सेट है, टूथपेस्ट है, टूथब्रश है, इसका शैम्पू है। ये जिस दिन मार्केट के अंदर आ जाएंगे मोनोपोली करने वाले इंडिया के अंदर, इनका कंपेयर का विश्व के अंदर ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं। सर मैंने ये भी सुना कि जो कंपनी के जो प्रोडक्ट है बिल्कुल मतलब गारंटी के साथ में मार्केट में। सर बिल्कुल 30 दिन की मनी बैक गारंटी, यूज करने के बाद में कंपनी को वापस कर सकते हैं आफ्टर यूज। ओके, तो कंपनी बोलती है, और कंपनी का जो रिटर्न रेशियो है पूरी दुनिया के अंदर वो 0.17% है, यानी 1% भी नहीं है, आधा परसेंट भी नहीं है, 25% भी नहीं है। कई करोड़ों लोगों के अंदर कोई एक इंसान ने आज तक रिटर्न किया हो तो किया हो, बट कंपनी का जो रिटर्न रेवेन्यू है वो 0.17% है। तो इसके प्रोडक्ट बहुत फैंटास्टिक है, आप सब लोग इसके दीवाने होने वाले हैं। जो नेक्स्ट जो मेरा जो रीज़न है एटॉमी में काम करने का, वो मैंने बताया कि इसके जो प्रोडक्ट है वो पेटेंट है, और जब इसके प्रोडक्ट पेटेंट है यूनिक है तो मार्केट में डेफिनेटली इसके रन करने वाले हैं। सर ठीक है, और कंपनी के ग्लोबली तौर पर तकरीबन 370 से तकरीबन 400 से ज़्यादा पेटेंट प्रोडक्ट है, और जब 400 पेटेंट प्रोडक्ट मार्केट के अंदर आएंगे तो देखिए आप कंपनी कितना बड़ा धमाल मचाने वाली है। ओके, मैं नेक्स्ट बात करूँ तो जब भी आप किसी कंपनी के साथ में काम करते हैं तो कंपनी के प्रोडक्ट की R&D कहाँ पर हुई है? R&D समझते हैं, काफी कंपनियों के लोगों को R&D के बारे में नहीं पता। मतलब मैं किसी को नीचा दिखाना नहीं चाहता, बट क्या है कि लोगों को इसके बारे में समझा नहीं जाता कि कंपनी के प्रोडक्ट कहां पर रिसर्च हो गए, उसका रिसर्च किसने किया, उसको पेटेंट कहां से किया। तो कंपनी के जो पीछे बैकफुट है वो जो R&D है वो कैरी है, वो जानना बहुत जरूरी है। कैरी है, कैरी के बारे में सब जानते हैं, जैसे इंडिया का इसरो है, अमेरिका का नासा है, वैसे विश्व का नंबर 2 जो रिसर्च सेंटर है साउथ कोरिया गवर्नमेंट का, वो कैरी है। तो एटॉमी के जो प्रोडक्ट जितने भी हैं उनका जो रिसर्च करती है वो कैरी करती है। दुनिया की 2 रिसर्च सेंटर है, जिसका प्रोफाइल आप देखेंगे तो देख सकते हैं दुनिया की सबसे बेस्ट है। अगर इंडिया में, सर मुझे पंकज जी की बात बताएं, इंडिया में अगर अपना जो इसरो है अगर किसी कंपनी का प्रोडक्ट का रिसर्च करेगा तो उसकी क्वालिटी कैसे होने वाली है? सर बहुत बेस्ट होने वाली, दैट्स इट। तो जब कैरी इसका रिसर्च कर रही है तो इसी प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या होने वाली है? बहुत फैंटास्टिक होने वाली है, ठीक है। और कैरी की प्रोफाइल आप देख सकते हैं नेट पर, बहुत शानदार है। और उसके बाद में जो इसका प्रोडक्ट का जो मैन्युफैक्चरिंग करती है वो कौन करती है? कोलमार करती है। कोलमार के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, कोलमार जो है दुनिया की 500 बड़ी कंपनियों को मैन्युफैक्चरिंग करके देती है। बट कैरी और जो कोलमार्क, इनका जो जॉइंट वेंचर है कोलमार्क BHN के नाम से, ये दोनों मिलके एक रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग एटॉमी के लिए करते हैं। तो इसके जो एटॉमी के पीछे जो बैकस्पोर्ट है, किसी भी कंपनी का आप देखो, अगर आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं उस कंपनी के पीछे उसका बैकस्पोर्ट क्या है, उसके प्रोडक्ट कहाँ रिसर्च हो रहे हैं, किन डॉक्टर्स ने उनको रिसर्च किया है, कहाँ पर वो बन रहे हैं, पहले उनको चेक कर लीजिए। आप मोटिवेट होकर काम मत कीजिएगा, क्योंकि बिजनेस मार्केट से आएगा। आप लोगों को खरीदिए, आप मतलब पैसे मत कमाइए, आप लोगों को कमाएं। लोग क्या है, पैसा कमाने पीछे लोगों को बर्बाद करते जा रहे हैं, और लोग हमारे पास में लिमिटेड ही हैं, हम लोगों के साथ में रिलेशन खराब नहीं कर सकते, है ना। तो लोगों को अगर आपको कमाना है तो आपको अच्छी इंडस्ट्री में काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट है वो है प्रोडक्ट प्राइसिंग, लेकिन जैसे इन्होंने बात की इसकी, तो प्रोडक्ट की प्राइसिंग आपको बता चुका, बहुत फैंटास्टिक है। और जो मेरा इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि कई कंपनियों के अंदर क्या होता है कि कई कंपनियों के अंदर जो कंपनियां पे आउट बांटती है वो गिनती के 2-3 लीडरों को बांटती हैं, और बहुत सी कंपनियों के जो लीडर्स होते हैं जो 2-5 महीने 6 महीने 1 साल से ज्वाइन कर रखे हैं वो सिर्फ उन्हीं 2-4 लीडर्स का नाम लेके ही प्रमोट करते हैं मार्केट में, हमारी उस कंपनी में फलाना लीडर इतना पैसा कमा रहा है, फलाना इतना लीडर कमा रहा है। उस कंपनी में गिनती के लीडर होते हैं जो पैसा कमाते हैं। मतलब वहां पर क्या होता है कि जो बिजनेस होता है उन कंपनियों में, वो कंपनियां क्या करती है, एक ही लीडर को, गिनती के लीडर्स को बहुत पैसा टर्नओवर कर देती है, बहुत ही लीडर, एक गिनती के लीडर्स को बहुत ज्यादा पैसा बांट देती है। नीचे वाले लीडर्स क्या करते हैं, हमेशा मीटिंगों में जाते हैं, क्लैपिंग करते हैं, उनके हाथ में कुछ भी नहीं आता। यही यहां पर हो रहा है,
इंडिया के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर मैक्सिमम कंपनियों के अंदर, मैं किसी पर्टिकुलर कंपनी का नाम नहीं ले रहा। तो यहाँ पर क्या करती है कि हाई जो रैंक का बंदा होता है, जो हाई लेवल का बंदा होता है, कंपनी क्या करती है, जो हाई बोनस होता है वो उन कंपनियों को बांट देती है, और जो जिनको जरूरत है कंपनियां उनको कुछ भी नहीं बांटती। ठीक है, जैसे क्या कि एटोमी का जो सबसे बेस्ट मुझे चीज़ नेक्स्ट चीज़ लगी है वो लगी है इसका मास्टरशिप बोनस। एटोमी का जो मास्टरशिप बोनस है ना, हम जितने भी एटोमी के लोग इस मास्टरशिप बोनस के लिए काम करते हैं, एक बार मैं जरूर बोलूंगा मास्टरशिप बोनस को जरूर समझे। पूरी दुनिया की जो कंपनियां हैं जो 20 लेवल के अंदर रैंक के अंदर नहीं बांट सकती, एटोमी ने मात्र 7 रैंक के अंदर मास्टरशिप बोनस को इतना अच्छे ब्यूटी से डिजाइन किया गया कि इतना पैसा कंपनी डिवाइड करती है कि आप सोच नहीं सकते। कंपनी मास्टरशिप बोनस पर 20% बांटती है, दुनिया की कोई भी कंपनी 20% बोनस नहीं बांटती। और यहां पर देखिए इसका जो पहला जो रैंक है सेल्स मास्टर का, उस पहले रैंक की सेल्स मास्टर पर कंपनी 10% मास्टरशिप बोनस देती है टर्नओवर का। अब जरूरत किसको है, जो बंदा स्टार्टिंग में काम करता उसी को पैसे की जरूरत है। जो इंसान सर पंकज जी मान लो आज कल कंपनी में बहुत एक टॉप लेवल का लीडर है, ऐसा पैसा कमा रहा है, तो उसको कंपनी अगर बहुत ज्यादा बोनस दे रही थी, उसको आज बोनस की जरूरत क्या है, बोनस जरूरत किसको है, जो व्यक्ति फर्स्ट स्टार्ट स्टेप पे काम करता है तो उसको सबसे ज्यादा जरूरी है। यही हमारे कंपनी के जो मैन जो लीडर हैं, हमारी कंपनी के सीईओ हैनिल पार्क, उनको मैं सैल्यूट करता हूँ। उन्होंने इस कंपनी को ऐसे डिजाइन किया गया कि यहाँ पर हर आदमी पैसा कमा सकता है, कि आज इस कंपनी अगर आए हैं तो आपको सबसे ज्यादा जरूरत पैसे की आज है जी। तो कंपनी करती है पहले लेवल पे इतना पैसा बांट देती है कि इंसान के साथ में रूट लेवल पे जाके कंपनी काम करती है। यहाँ पर कि मैं जब नीचे वालों को उठाऊंगी तो ऊपर वाले लोग ऑटोमेटिक पैसा कमा लेंगे, राइट सिस्टम। तो कंपनी पहले प्रमोशन पे अपना आधा परसेंट, 20% का आधा परसेंट, 10% बोनस मास्टरशिप बोनस पहले रैंक पे बांट देती है, फर्स्ट लेवल पे सब बिल्कुल बांट देती है, 10% बांट देती है। नेक्स्ट जो कंपनी का मुझे सबसे ब्यूटीफुल जो पॉइंट लगा है, वो कंपनी क्या करती है, अपने प्रॉफिट का 99% डिस्ट्रीब्यूशन करती है, 99% प्रॉफिट का। वो आपको मैं एक दिन बहुत अच्छे से समझाऊंगा अलग अलग तरीके से। तो कंपनी 70% बांटती है, 70% प्रॉफिट का 99% बांटती है। और मैं बात करूँ तो कंपनी की ग्रोथ की, तो कंपनी की जो ग्रोथ है बहुत हाई ग्रोथ है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि DSN की जो रैंक है, काफ़ी लोग बोलते हैं हमारी कंपनी नंबर वन, हमारी कंपनी नंबर वन है, गूगल पर डाल के देखिए, गूगल पर ब्लॉगिंग कोई भी कर सकता है, सही है। बट अगर आप किसी नेटमार्केट कंपनी की आप ग्रोथ देखना चाहते हैं तो DSN की रैंक देखिए। DSN की रैंक पर कंपनी मात्र 10 साल के अंदर, पिछले साल 20वें नंबर रैंक पर थी और इस साल कंपनी 11वें नंबर रैंक पर आ गई है। इतनी फास्ट ग्रोथ करके जो कंपनी आई है, और कंपनी अभी 16 कंट्री में काम कर रही है, उन 16 कंट्री में जो पॉपुलेशन है वो इंडिया से कम है, 130 करोड़ के आसपास में है, और इंडिया की जो पॉपुलेशन पंकज जी 135 करोड़ से ज़्यादा की है आई थिंक जी। इंडिया और चाइना जहाँ पर पूरी दुनिया की 44% पॉपुलेशन रहती है, वहाँ पर इंडिया अभी एटोमी ने काम करना स्टार्ट भी नहीं किया है, फिर भी कंपनी दुनिया की 11 नंबर रैंक पे आ गई मात्र 10 साल के अंदर काम करके। जो कंपनी 40 साल से 50 साल से 100 कंट्री में काम कर रही है, आज वो टॉप 10 के अंदर आती है। तो अभी जैसे इंडिया चाइना में भी कंपनी काम करेगी तो नेक्स्ट साल या नेक्स्ट 1-2 साल के अंदर कंपनी नंबर 1 पे जाने वाली है, इनको कोई रोक नहीं सकता। और आपको एक गुड न्यूज़ और दे दूं कि कंपनी का भी जो DSN के अंदर जो दुनिया की जो टॉप 10 सेलिंग कंपनियां हैं उसके अंदर जो हाई सेल का जो अवार्ड मिला है, नंबर 3 पे एटोमी आई है इस साल के अंदर। ये अपने में बहुत बड़े प्राउड की बात है, जहां पर इस कोरोना के दौरान पूरी दुनिया की जितनी नेट मार्केटिंग कंपनियां, टॉप 10 नेट मार्केटिंग कंपनियां जब पर माइनस में थी, वहीं पर एटोमी का जो बिजनेस था वो प्लस 13 के अंदर रहा है, 13-15 रहा है यहाँ पर। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, यहाँ पर आप किसी कंपनी ग्रोथ देख सकते हैं, मोटिवेट होकर काम न करें, कंपनी के की पॉइंट्स आप यहाँ पर काम करें, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूँ तो फाउंडर की प्रोफाइल मैसेज बताऊँ, तो हमारी जो कंपनी के CEO हैं, फाउंडर हैं मिस्टर हैनगिल पार्क, मैं उनको दिल से सल्यूट करता हूँ। वो दुनिया के ये मान लीजिए कि वो ऐसे शख्स हैं जिनके बारे में हम जितना बोले उतना ही कम है यहाँ पर, रियल में पंकज जी वो मतलब सम्मान के पात्र वो इंसान। उन्होंने पूरी दुनिया को एक ऐसी ब्यूटीफुल इंडस्ट्री डिजाइन करके दी है कि जो इंसान सोच नहीं सकता। उन्होंने ई कॉमर्स के बारे में 1990 से सोच लिया, 1990 में उन्होंने ई कॉमर्स के बारे में सोच लिया था, जब ई कॉमर्स का शब्द भी डिक्शनरी के अंदर नहीं था, ई कॉमर्स इंडस्ट्री इंडिया के अंदर विश्व के अंदर आई भी नहीं थी पूरी दुनिया के अंदर, तभी उन्होंने ई कॉमर्स के बारे में सोच लिया था। मैं हैनगिल पार्क की मैं बात करूं तो इनकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है, इनके एजुकेशन, इनके रिवॉर्ड, इनके अवार्ड, इनके अचीवमेंट, इनका ये मैं बात करूं तो जहां तक मुझे पता है ये साउथ कोरिया के टॉप रिचेस्ट लोगों में इनका नाम आता है। नेक्स्ट मैं बात करूं तो देखिए अगर आपने फोर्ब्स और फॉर्च्यून मैगजीन का नाम सुना हो, फॉर्च्यून फोर्ब्स मैगजीन है, वहाँ पर दुनिया के टॉप के सेलिब्रिटी आते हैं, जो दुनिया के जो टॉप 100 रिचेस्ट लोग हैं या जो सेलिब्रिटी हैं, स्पोर्ट पर्सन है या राजनीति से हैं या आपका कोई भी कोई हीरो है, एक्टर है, सेलिब्रिटी है, जो टॉप के सेलिब्रिटी होते हैं उनका फॉर्च्यून और फोर्ब्स मैगजीन के अंदर उनके इंटरव्यूज आते हैं। तो हमारे जो हैनगिल पार्क है इनका काफ़ी बार फॉर्च्यून और फोर्ब्स मैगजीन के अंदर इंटरव्यूज नाम आ चुके हैं। और जो वर्ल्ड फेडरेशन डाइट सेलिंग एसोसिएशन है WFDSA है, उनके जो हेड ऑफ काउंसलिंग है मेंबर की, उन पर हेड ऑफ मेंबर चुने गए हैं काउंसलिंग के। और जो साउथ कोरिया की
जो कोरियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, जैसे इंडिया की इडसा है, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन है, वैसे साउथ कोरिया की जो कोरियाई डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन है वहाँ के ये हेड ऑफ मेंबर हैं उनके काउंसलिंग के। तो ये अपना में बहुत बड़ी बात है। तो इनकी प्रोफाइल बहुत शानदार है। हैंगल पार्क की इनकी जितनी मैं प्रोफाइल की बात करूँ उतनी कम है। इनको तकरीबन 28 से 30 साल का नेटवर्क मार्केटिंग प्लस ई कॉमर्स का एक्सपीरियंस है। 30 साल का इनके पास में नेटवर्क मार्केटिंग प्लस ई कॉमर्स का एक्सपीरियंस है। और नेक्स्ट में पॉइंट बात करूँ तो एटोमी की, तो ये एक ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन हब बनने वाला है। मतलब हर प्रकार की चीज़ खुद ही बनाने वाला है और हर कंट्री में, यहाँ पर हर कंट्री के अंदर काम करने वाला है। बिकॉज जो एटोमी है वो जीएसजीएस फॉर्मेट पे काम कर रही है। ये विश्व की ऐसी पहली कंपनी है जो ग्लोबल सोर्सिंग, ग्लोबल सेल्स पे काम करती है। जिस भी कंट्री के अंदर जाती है उस कंट्री के टॉप के प्रोडक्ट्स को खुद ही रिसर्च करती है, खुद ही बनाती है, और उस कंट्री के अलावा जिस जिस कंट्री में एटोमी काम करती है उस कंट्री के अंदर उस कंट्री के प्रोडक्ट को बाई एटोमी ई कॉमर्स के थ्रू सप्लाई करती है। तो मान लो आज अपने को कंबोडिया की अच्छी मिर्च चाहिए तो कंबोडिया की अच्छी मिर्च अपने मिल जाएगी। इंडिया का जो अच्छा आयुर्वेद है, इंडिया का जो हल्दी वगैरह है, तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग खुद यहाँ पर करने वाली है। तो जिस भी कंट्री में काम करती है उस कंट्री की जीडीपी को डेफिनेटली एटोमी बढ़ाती है। तो ऐसी पहली कंपनी जो ग्लोबल सर्विसिंग, ग्लोबल सेल्स पे काम करती है। सर यहाँ पे जैसे एक पॉइंट आता है, जैसे स्वदेशी विदेशी कंपनी का जो लेके, आई थिंक जीएसजीएस फॉर्मूला के तहत आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताइए। सर मुझे एक बात बताएं पंकज जी, ये बहुत से लोगों मिथ्या है, मुझे आश्चर्य हो रहा है कि पढ़े लिखे लोग भी मुझे कई बार, मेरी टीम में काफ़ी ऐसे लोग हैं बोले सर स्वदेशी विदेशी का नारा लगाते हैं। मुझे एक चीज़ बताएं कि स्वदेशी का मतलब क्या होता है, विदेशी का मतलब क्या होता है। मुझे आज तक इसका कोई, मुझे आज तक समझा नहीं पाया। पर्टिकुलर मैं रियली बता रहा हूँ, अगर कोई मुझे ढंग से इसका कोई डेफिनेशन दे दे तो मैं मेरे नंबर दे दूँगा, मुझे कोई कॉल करके बता दें। राइट राइट। स्वदेशी विदेशी का मतलब होता क्या है? और सर मोदी जी ने कहा है कि स्वदेशी अपनाए, विदेशी अपनाए। मोदी जी ने ये कहा है कि मतलब आप विदेशी जो कंपनी है उनके प्रोडक्ट यूज़ ना करें। उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए कहा है स्वदेशी। उन्होंने कहा है जो ब्रोकर्स बाहर से प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, दीपावली पे लाइटिंग है, जो अलग अलग प्रोडक्ट्स आप, मिठाइयाँ, कई चीज़ें फॉरेन से आती है। मोदी जी ने कहा है कि जहाँ तक पॉसिबल है कि आप मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के अंदर कीजिए। जो भी कंपनी चीज फॉरेन की है इंडिया के अंदर है, जो कंपनी इंडिया में आके रजिस्टर्ड हो गई, आज एटोमी इंडिया में काम कर रही है, तो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से काम कर रही है, तो ये विदेशी कहाँ से, मुझे बात बताएं आप। सही बात। और ये सबसे बड़े जो मिथ्या है ना स्वदेशी विदेशी की, ये नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों के लोग ही करते हैं, क्योंकि और कहीं भी विदेशी स्वदेशी नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के लोगों के पास में और तो कुछ है नहीं। जब भी उनको पता है कि अगर कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, इंटरनेशनल लेवल की कंपनी अगर इंडिया के अंदर आ गई, तो आप लोगों की रियलिटी का पता चल जाएगा कि वो कंपनी कितने एथिकली काम कर रही है। आपके एथिक्स बिल्कुल भी नहीं है, उनके प्रोडक्ट कितने अच्छे, प्रोडक्ट अच्छे नहीं है। तो क्या करती हूँ, डर के कारण लोगों के अंदर गलत मिथ्याएं पहुंचाती हैं, लीडर्स के अंदर गलत मिथ्याएं पहुंचाती हैं, और लोगों का माइंड वॉश करती हैं स्वदेशी विदेशी। मुझे एक बात बताएं, आज व्हाट्सअप है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, आप सब चीज़ यूज़ करते हैं, ये इंडियन है विदेशी है? सर बाहर की विदेशी है। ठीक है, आप फोन यूज़ करते हैं, घड़ी यूज़ करते हैं, जूते हैं, कपड़े हैं, सारी चीज़ें किसकी हैं, विदेशी हैं। आज मान लो आपकी कोई, आप मान लो कोई इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग का प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, मान लो ब्रांड का, तो लेकिन क्या उसके जो पार्ट्स हैं सारे इंडिया में बने हैं क्या? वो भी फॉरन से बन के असेंबल इंडिया में हुए हैं, तो इंडिया की कंपनी हो गई। आज मान लो इंडिया में एटोमी काम कर रही, तो 70% यहीं पर बांट के जा रही है, तो मतलब जितना पैसा कंपनी लगा रही है उसका 70% पैसा लोगों को बांट के जाएगी, तो इंडियन लोगों को फायदा तो ही रहे ना यहाँ पर। सही बात है, सही बात है। समझा आप लोगों को? मुझे एक बात बताएं, अपन बोलते हैं कि स्वदेशी अपनाओ, विदेशी अपनाओ, ये जो स्वदेशी विदेशी का नारा देते हैं ये वही लोग हैं जो अपने बच्चों को आने टाइम में मैकडी के अंदर और डोमिनोज के अंदर ले जाए पिज्जा खिलाते हैं, तो बाहर रेडी पिज्जा क्यों नहीं खिलाते वो लोग? सही बात है। अब मुझे एक बात बताएं कि अपन इंडियन कंपनी बात करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर स्वदेशी विदेशी क्यों आता है? आज मान लो अपन एक इंटरनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं जो इंडिया में बहुत से लोगों को अच्छे प्रोडक्ट प्रोवाइड करवा रहा है और यहाँ के लोगों को पैसे यहीं पर बांट रहा है, अपनी वो अपनी मेहनताना लेके जा रहा है, अपनी मजदूरी लेके जा रहा है वहाँ से, तो इंडिया के अंदर मोदी जी क्यों चाइना से जो वहाँ से हज़ारों कंपनी निकली थी 300 कंपनियों को इंडिया में लेके आई हैं? क्यों यहाँ पर हज़ारों लाखों कंपनी इंडिया के अंदर काम कर रही हैं? अच्छा मुझे बात बताएं कि हम एक इंटरनेशनल कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं यहाँ पर, डिस्ट्रीब्यूटर तो हम यहाँ पर, तो डिस्ट्रीब्यूटर तो यहाँ पर लोग मर्सिडीज़ के भी इंडिया के अंदर, वो भी देसी है, जगुआर के भी हैं, ओडी के भी हैं, रेंज रोवर के भी हैं, ओके। और उसके बाद में अगर आप देखें तो और भी इंटरनेशनल गाड़ियाँ, अलग अलग कंपनियाँ, फॉक्स वोगन हैं, ठीक है, अलग अलग ब्रांड की घड़ियाँ, अलग अलग ब्रांड की लिबर्टी, रिबॉक, बड़े बड़े ब्रांड हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटर तो वो क्या, वो विदेशी नहीं है क्या? सर इसको थोड़ा सा डिटेल में देखें तो जो इंटरनेशनल कंपनियाँ जो प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, उस क्वालिटी का प्रोडक्ट आई थिंक इंडियन कंपनी नहीं बना रही है अभी प्रेजेंट। सर बिल्कुल नहीं बना। क्यों? क्योंकि उसके पीछे उनका R&D मैन्युफैक्चरिंग नहीं है ना। अगर आज कोई इंसान बीमार होता है जी, आज आप बीमार हो और भगवान ने करे आज किसी को हार्ट की प्रॉब्लम आ गई, हार्ट अटैक आ गया, तो आज आपको बाईपास सर्जरी की जरूरत है या फिर आपको मैं कोई हल्दी पानी में डाल के पिला दूं, एक आयुर्वेदिक जरूरत है आपको, किसी जरूरत है?
इंस्टेंटली आज आपको उसकी जरूरत है बाईपास सर्जरी की, बाईपास की आपसे इंस्टेंटली इलाज होना चाहिए वहाँ पर। आज अपन जो मेडिसिन खाते हैं ये क्या इंडिया में बनती है सारी, ये फॉरन से बन के आती है। आप 99% चीज़ें फॉरन की, मैक्सिम 90% चीज़ें आप फॉरन से चीज़ें यूज़ करते हैं, वो क्या क्या इंडिया में आके, जब इंडिया में जगह ले रही है, इंडियन लोगों को रोजगार दे रही है, वो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, यहाँ पर लोगों को अच्छे प्रोडक्ट दे रही है, सारा पैसा इंडिया में बांट के जा रही है, अपनी मेहनत आना लेके जा रही है, तो वो इंडिया का पैसा कहाँ लेके जा रही है? काफ़ी लोग बोलते हैं वो इंडिया का पैसा बाहर लेके जा रही है, कहाँ लेके जा रही है मुझे बताएं सर, आप समझदार लोग हैं। मतलब क्या कि इंडियन कंपनियां जो नेट मार्केटिंग कंपनियां हैं ये लोगों को इतना गुमराह कर रही हैं, एक्चुअली इनके पास पॉइंट तो कुछ होता नहीं है जी जी। तो पॉइंट सिर्फ ये बनाती है स्वदेशी विदेशी, स्वदेशी विदेशी, तो स्वदेशी विदेशी का मुझे आज तक डेफिनेशन नहीं दे पाया एक्चुअली स्वदेशी विदेशी का होता है। पर एक्चुअली सर थोड़ा सा आउट डेप में जाए तो जो इंटरनेशनल कंपनी में प्रोडक्ट है, पहली बात तो वो इंडियन कंपनी के पास में है नहीं। नहीं सर बिल्कुल नहीं, तुलना ही कहाँ से करें, तुलना ही डिफरेंट प्रोजेक्ट हो गया ना बिल्कुल। हाँ तो आप अगर बच्चों को अगर इतना, और स्वदेशी की बात करते हैं ये वही लोग हैं जो टैक्स बिल्कुल टाइम से नहीं भरते हैं। राइट राइट ठीक है, ये वही लोग हैं कि अगर आप स्वदेशी विदेशी की बात करते हैं तो आपके पास में अगर 10-5 लाख रुपए आ जाते हैं तो बाहर जाके फॉरेन की किसी भी कंपनी दूसरी कंपनी की गाड़ी लेके यूज़ करते हैं आप, मुझे बताएं आप इंडियन कंपनी गाड़ी यूज़ नहीं करते, मारुति गाड़ी यूज़ करते, मारुति तो जैसे थोड़ा सा अभी लास्ट में इतना बताया कि एटोमी किस प्रकार से यहाँ पे वर्किंग करेगा तो अपना इंडिया ग्रो करेगा, इंडिया को सपोर्ट मिलेगा, थोड़ा सा वो एक्सप्लेन कीजिए आप। अभी एटोमी जब यहाँ पर इंडिया में काम करने वाला है बेसिकली, तो मैंने जैसे आपको बताया कि एटोमी बेसिकली सभी कंट्रियों में, मैक्सिमम कंट्रियों में फैल रहा है। काफ़ी लोग बोलते हैं कि सर एटोमी इंडिया में क्यों कब आ रहा है, मैं आपका क्वेश्चन काफ़ी क्वेश्चन भी जी बिल्कुल ये भी बहुत। हाँ तो एटोमी इंडिया में सर आ चुका है, काफी लेटेस्ट बोलते हैं प्री लॉन्चिंग चल रही है, एक्चुअली एटोमी इंडिया में आ चुका है, आने का मतलब ये नहीं था कि ढोलक बज रहे हैं तो एटोमी इंडिया में आ रहा है। राइट राइट इंडिया के अंदर 10.5 करोड़ का पेड अप कैपिटल गवर्नमेंट के साथ में कंपनी ने सन 2021 या 22 फरवरी को जमा करवा दिया था और शायद दिसंबर के अंदर कंपनी का ऑफिस डल चुका था। कोरोना की वजह से, कोरोना की वजह से कंपनी का केवाईसी माइग्रेशन नहीं हुआ था, देन अभी वो हो चुका है, तो जैसे अभी नवंबर के अंदर कंपनी का ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ गया, अभी तक कंपनी का ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आया था। और हमारे बहुत से लीडर्स बेचारे 1.5 से 2 साल से यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो मैं उनका बहुत तारीफ करता हूँ जो लोग एक विजनरी लीडर बनकर यहाँ पर काम कर रहे हैं। कई लोग तो अभी भी काम नहीं कर पा रहे यहाँ पर, जब उसको पता है अगले महीने कंपनी का काम स्टार्ट होने वाला है, प्रोडक्ट कंपनी के आने वाले हैं। तो देखिए कंपनी का एक छोटी मोटी कंपनी नहीं है, किसी भी कंपनी को किसी भी कंट्री में काम करने के लिए वहां पर एथिकली उनके नियम्स को फॉलो करना पड़ता है, उनके नॉर्म्स को पूरा करना पड़ता है, उनके फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती है, उस कंट्री के अकॉर्डिंग उनके प्रोडक्ट को रिसर्च करवाना पड़ता है। ठीक है, अभी एटोमी सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया के अलावा 46 कंट्री अंदर प्री लॉन्चिंग डाल रही है। मुझे बात बताएं, एक कंपनी जब इंडिया के अलावा 46 कंट्री वहां पर प्री लॉन्चिंग और डाल चुकी है तो कंपनी का विजन देखिए क्या होने वाला है। जी जी, इंडिया के अंदर आने वाले 6 मंथ के अंदर, 1 साल के अंदर एटोमी इंडिया के अंदर 55% मार्केट को कैप्चर करने वाली है सर, इंडिया के अंदर मैक्सिमम, ये देख लीजिए आप। ठीक है, नेक्स्ट कंपनी का क्या विजन, कंपनी का जो नेक्स्ट जो विजन है वो कंपनी का आजम हो, आजम मॉल के बारे में बताऊं तो इंडिया में शायद इसको आने में 1.5-2 साल लगेगा। कंपनी का आजम मॉल के साथ में टाइप है जहां पर तकरीबन 10,000 से लेकर आपको 1 लाख+ प्रोडक्ट आजम मॉल के अंदर मिलने वाले हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स आपको मिलने वाले हैं, बड़ी बड़ी ब्रांडिंग की चीज़ें मिलने वाली हैं, एटोमी के अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, कपड़े हैं, जूते हैं, एक्सवाइजेड पानी की बोतल तक कुछ भी आपको चाहिए सारी चीज़ें ऑनलाइन ऑफलाइन आप लोगों को मिलने वाली हैं। तो कंपनी का सर विजन बहुत बड़ा है, एटोमी में आज वही लोग काम कर रहे हैं जो विजनरी हैं, जो लोग विजनरी नहीं हैं उन लोगों के लिए बिजनेस नहीं है। तो आप सब लोग डेफिनेटली मैंने जो पॉइंट्स बताए हैं उनको आपने समझा होगा, और एटोमी इंडिया की अंदर ऐसी पहली कंपनी है जिसके साथ में इंडियन गवर्नमेंट ने अपना जो पैन कार्ड का NSDL लिंक है वो शेयर किया है ID वेरिफिकेशन के साथ में। आज तक किसी भी कंपनी के साथ में एटोमी ने वो अपना वो वेरिफिकेशन के लिए अपना NSDL का लिंक शेयर नहीं किया आज तक, है ना। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिसके साथ हम काम कर रहे हैं, बाकी समझदार आप लोग हैं तो गलत धारणाओं में न फंसे, गलत लोगों के मोटिवेशन में न आए, क्योंकि जिंदगी आपकी है, कैरियर आपका है, आपको आपकी जिंदगी है तो आपकी जिंदगी के साथ में कोई और इंसान खिलवाड़ा न करें। पहले तो प्रैक्टिकली जिंदगी जीना सीखें, मार्केट को आप रीड करें, मार्केट में क्या चल रहा है, भविष्य क्या होने वाला है, आप मीटिंगों में जाके अलग अलग लोगों की बातों में आके मोटिवेट ना हो। ठीक है सर, मोटिवेशन थोड़ा सा लास्ट में, इसका जो एजुकेशन है किस प्रकार से, इसकी स्ट्रेटजी है, बहुत अच्छा पॉइंट के बारे में बताइए। मैं एजुकेशन की बात करूं तो आज मुझे एटोमी का जो सबसे बेस्ट जो चीज लगी पंकज जी, वो इसका मुझे एजुकेशन लगा। इसका जो एजुकेशन है वो यूनिवर्सल एजुकेशन सिस्टम है, ग्लोबल एजुकेशन सिस्टम है। ओके, एटोमी दुनिया की एकमात्र, इसका सुनने में है कि एजुकेशन फ्री है या सर? बिल्कुल, एटोमी विश्व की ऐसी पहली कंपनी है जो फ्री के अंदर एजुकेशन देती है। मार्केट के अंदर जितनी भी कंपनी इंडिया में काम कर रही है, वो नेशनल है, इंटरनेशनल है, वो एजुकेशन के नाम पे लोगों के पैसे कमा रही है, लोगों से पैसा कमा रही है। कुछ कंपनियों के लीडर कमा रहे हैं एजुकेशन नाम पे, खुद के पंपलेट बना रहे हैं, खुद के ट्रेनिंग सेशन डिजाइन कर रहे हैं, खुद का एजुकेशन सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं, और एक लीडर बन जाते हैं यूट्यूब पे, और वहां पर क्या कर रहे हैं, एक एजुकेशन के नाम पे लोगों को 500, 1000, 1500, 2000 की 2500 टिकट लेके लोगों को एजुकेशन दे रहे हैं। मुझे एक बात बताएं, जब यहां पर कोई इंसान नया बंदा आता है
वो 3,000 रुपये 2,000 रुपये पूरे 2 से 3 महीने में अपने बच्चे की फीस भरता है, वो सिर्फ एक 5 घंटे की ट्रेनिंग के अंदर 3,000 रुपये क्यों देके जाएगा? ऐसा आप क्या सिखाते हैं? ऐसा 3,000 रुपये आप कैसा ऐसा क्या सिखा देंगे कि वो इंसान बहुत कुछ सीख जाएगा? देखा देखा, ये एक्चुअली हमने भी इस चीज़ को देखा है डिटेल में कि बहुत सारे जो लीडर्स हैं वो आज एजुकेशन कर रहे हैं, वहाँ पे चार्जेस ले रहे हैं, लेकिन आई थिंक जो वैल्यूएबल जो इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए उनका रिजल्ट नहीं आता। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं उसकी ट्रेनिंग एजुकेशन पे बिल्कुल सर अपन एटोमी का जो एजुकेशन है, साथ में विश्व की ऐसी पहली कंपनी है एटोमी जिसका खुद का ब्रॉडकास्ट चैनल भी है, आपको कंपनी ऑनलाइन ट्रेनिंग भी देने वाली है। अच्छा। जो लोग मीटिंग में जा सकते कंपनी उनको ऑनलाइन ट्रेनिंग भी देगी। तो घर बैठे घर बैठे बिल्कुल सर ऑनलाइन कंपनी ट्रेनिंग देने वाली है और एजुकेशन जो है फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला, कंपनी के जितने भी सेमिनार्स होंगे फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, तो आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। आप जब भी चाहें कंपनी के सेमिनार में जा सकते हैं, साथ में अपने 20-30-100 लोगों को लेके जाएं, कंपनी का कोई भी चार्जेबल सेमिनार नहीं है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस चीज़ को समझेंगे। और मुझे जो लास्ट इसका जो सबसे बेस्ट पॉइंट लगा वो इस कंपनी का लगा टेक्नोलॉजी। आज इंडिया के अंदर इंटरनेशनल लेवल पे लोग सिर्फ बिजनेस प्लान खेल रहे हैं सर, मेरे प्लान मेरे प्रोडक्ट मेरी कंपनी कंपेयर कर रहे हैं। एक्चुअली एटोमी कंपेयर किसी कंपनी साथ में हो ही नहीं सकता, इन जो मैंने आपको पॉइंट बताया इन पॉइंटों को लेके। एटोमी एकमात्र ऐसी कंपनी है जो आने वाले 20 से 30 साल की एडवांस टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है, क्योंकि एटोमी का जो विजन है ना सर वो 100 साल का विजन है। एक्चुअली आज मैं अगर मैं किसी कंपनी के लीडर से पूछूं तो तुम्हारी कंपनी का विजन क्या है, मुझे वो विजन बता ही नहीं सकता। कंपनी का जो विजन है वो आने वाले 10 साल के अंदर 1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बने, 1 ट्रिलियन सेलिंग का इंडस्ट्री बनने वाला है। अच्छा 1 ट्रिलियन सेल्स टर्नओवर करने वाला है। और कंपनी का जो मेन जो विजन है वो लोगों को एक बेहतरीन शॉपिंग का एक्सपीरियंस देना है, कि ताकि लोगों को एक शॉपिंग करने का जो एक्सपीरियंस है बहुत बेहतरीन मिलेगा। इसलिए कंपनी ये मान लीजिए कि एक टेक्नोलॉजी लेके आ रही है XR, जिसको बोलते हैं एक्सटेंड रियलिटी, यानी रियलिटी और वर्चुअलिटी का कॉम्बिनेशन है। कि अगर आप जो अमेजन वगैरह से शॉपिंग करते हैं, अमेजन जो बहुत बड़ा मार्केट कर रही है वो सोच भी नहीं पाए, आने वाले टाइम में 20 साल तक सोच भी नहीं पाएगी, वो कंपनी ने आज करके दिखा दिया है। कंपनी 4D या 4D है, AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है, XR है, इन टेक्नोलॉजी पर कंपनी काम कर रही है। आपका मैं एक आने वाले टाइम पर एक बहुत बेहतरीन आपको मैं एक YouTube वीडियो बनाने वाला हूँ जो टेक्नोलॉजी पर बनाने वाला हूँ, विद आपको प्रूफ कैसे आपको दिखाने वाला हूँ। तो इसका जो टेक्नोलॉजी इतना शानदार होने वाला, जहाँ पर लोगों का जो शॉपिंग है वो इतना खतरनाक होने वाला कि आप घर बैठे शूज़ हैं कपड़े हैं पहले पहन के देख लेंगे 4D फिगर के अंदर, और उसके बाद में अपने एक्सपीरियंस के बिहार पर आप प्रोडक्ट मंगवाने वाले हैं। तो कंपनी सर बहुत बिंदास है। मैं आपके बात बता दूँ तो आज मैंने जो पॉइंट्स बताए ये पॉइंट देखे मैंने इस इंडस्ट्री में काम किया है। मैं बिल्कुल भी मोटिवेट होकर काम नहीं करता, और न ही मैं अपनी किसी टीम को मैं गुमराह करता हूँ कि एटोमी में हम आप लोगों को इतना पैसा कमवा देंगे आप यहाँ पर काम करें। मैं लोगों को सिर्फ पॉइंट पे बात करता हूँ, फ्यूचर पे बात करता हूँ कि फ्यूचर बिजनेस ई-कॉमर्स का होने वाला है, और एटोमी फ्यूचर पे काम कर रही है, दुनिया की ऐसी पहली कंपनी जो बहुत विजनरी है। और यहाँ पर दुनिया के मैक्सिमम 50% से ज़्यादा लोग सक्सेस हैं यहाँ पर, और बहुत बड़े लेवल पे एटोमी इंडिया के अंदर बहुत धूमधाम से आ रही है, और हम सब लोग एक्साइटेड हैं। नेक्स्ट मंथ के अंदर सब लोगों की इनकम आने वाली है। थैंक यू सो मच आज का वीडियो सुनने के लिए, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि आप लोगों को जो वीडियो मिलेगी वो आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, और आज के जो हमारे होस्ट हैं पंकज जी का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू साथियों, लास्ट में मैं मात्र आपको इतना ही बताना चाहूँगा कि अभी अंकित सर ने बहुत ही अच्छी तरीके से वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन आपको दी, और एटोमी के की पॉइंट आपको डिटेल से यहाँ पे जानने को मिले। अभी भी अगर आप अपने आप से बात नहीं कर रहे, अभी भी आप अपना पर्सनल एनालिसिस नहीं कर रहे, मुझे ज़िंदगी में क्या करना है, किस प्रकार से करना है, और किस बेस्ट कंपनी के साथ में मुझे अपना कैरियर की शुरुआत करनी है। साथियों देखिए, अभी इंडिया के अंदर एटोमी लॉन्च हो रहा है, और सर थोड़ा सा प्री लॉन्चिंग का महत्व बताइए। प्री लॉन्चिंग क्या होता है? प्री लॉन्चिंग मतलब मैं समझा दूँ तो प्री लॉन्चिंग क्या होता है कि आपको इतनी अच्छी इंडस्ट्री मिल रही है। जी इंडस्ट्री इतनी अच्छी मिल रही है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए, और कई लोगों की गोल्डन अपॉर्चुनिटी 1 साल बाद में मिलेगी, 2 साल बाद में, 5 साल बाद में मिलेगी। लेकिन इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी के साथ में गोल्डन टाइम मिलना इस जिंदगी में कभी दोबारा नहीं आएगा। अभी प्री लॉन्चिंग का मतलब क्या है? गोल्डन टाइम मिलना दोबारा कभी नहीं आएगा। गोल्डन टाइम का मतलब क्या है कि प्री लॉन्चिंग यानी कंपनी अभी स्टार्ट हो रही है, और कंपनी के स्टार्ट होने से पहले अगर आप कुछ लोगों ने नेटवर्क बना के काम करते हैं, तो जैसे लोग यहाँ पर शॉपिंग करना स्टार्ट करेंगे आपको लोग बहुत बड़े इनकम के साथ में यहाँ पर काम करने वाला है। अगर कोई भी इंसान 200, 500, 1000, 2000, 10000 टीम के साथ में रहेगा तो उसका फ्यूचर देखिए क्या होने वाला है। आने वाले टाइम में आपका नेटवर्क कई इलाकों में क्रिएट होने वाला है। तो प्री लॉन्चिंग का जो महत्व है ये मान लीजिए कि बहुत रियर लोगों को मिलता है, और बहुत से लोगों को इसका महत्व समझ में आता है। मुझे तो कई बार पंकज जी समझ में नहीं आता कि लोगों को समझ में क्यों नहीं आता। जी है ना, लोगों को समझाना पड़ रहा है। तो अगर लोगों को समझाना पड़ रहा है तो सर ये आपका खुद का बुद्धि विवेक है, आप कितना इस तरीके से प्रभावित तरीके से सोचते हैं। बट प्री लॉन्चिंग का मैं बता दूं तो विश्व के अंदर बहुत रेयर ऐसे कंपनी ऐसे बड़े बड़े ब्रांडिंग आते हैं पूरी दुनिया में जिनका प्री लॉन्चिंग फेस में आपको इतनी बड़ी कंट्री के अंदर, वो भी इंडिया के अंदर, इतनी बड़ी कंपनी, इतनी बड़ी कंट्री, राइट टाइम राइट प्लेस और राइट
कंपनी और राइट टाइम आपको सब चीज़ें मिल रही है। तो प्री लॉन्चिंग का महत्व समझिए, आज से लग जाएं, अपने जो सीनियर उसे बैठ के प्लानिंग कीजिए। हम बहुत बड़ा बिजनेस करने वाले हैं और एटोमिक धमाल मचाने वाली जी है जी। और हम बहुत तूफानी यहाँ पर पारी करने वाले हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू इनकी जी सर। थोड़ा सा मैं आपको लास्ट में साथ ही इतना ही बताना चाहूँगा कि सर ने बहुत सारी चीज़ें भी बता दी। अभी थोड़ा सा आप अपना पर्सनल एनालिसिस कीजिए, एटोमिक के की पॉइंट के बारे में आप जानिए, इसकी डिटेल से इनके जो भी पॉइंट्स हैं उनके बारे में स्टडी कीजिए। और सर ने बताया कि प्री लॉन्चिंग, देखिए आज तक इतिहास गवाह, जिस व्यक्ति ने किसी भी बड़ी से बड़ी कंपनी हो या छोटी कंपनी हो, उस व्यक्ति ने फर्स्ट स्टार्टिंग के समय में प्री लॉन्चिंग फेज में उन्होंने वर्क किया, कहीं ना कहीं आज वो उस कंपनी के टॉप लेवल पे। साथियों आज हमारे पास में इंडिया के इतने बड़े मार्केट के अंदर ये अपॉर्चुनिटी हमें प्री लॉन्चिंग फेज में मिल रही है। और आज अगर हम पे काम करते हैं, डेफिनेटली आने वाले टाइम में हमारा भविष्य यहाँ से बहुत अच्छा होने वाला है। और सर ने बताया कि यहाँ पे एजुकेशन फ्री होने वाली है, कंपनी टेक्नोलॉजी पे काम करने वाली है, और साथ ही टेक्नोलॉजी पे किसी भी प्रकार का कोई कंपटीशन नहीं होता, कंपटीशन कर ही नहीं सकता। जी जी, टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, तो कंपनी डेफिनेटली आज इसके, अगर टेक्नोलॉजी की सर बात करें तो मैंने सुना सर, आने वाले टाइम की, पंकज जी बता दू, आने वाले टाइम का जो दौर है टेक्नोलॉजी का, जो लड़ाइयां होंगी वो टेक्नोलॉजी को लेकर। सर एटॉमिक टेक्नोलॉजी के बारे में मैंने सुना कि ये नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां तो छोड़ो, ये आज ये बड़ी बड़ी अमेजन है, अलीबाबा है, उसके साथ में भी उनसे भी 10 गुना ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है। बिल्कुल, डेफिनेटली कंपनी का सिस्टम, कंपनी का विजन, मतलब हेड्स ऑफ, मैं सोच नहीं सकता कि आप लोग सिर्फ मोटिवेट होकर काम नहीं कीजिए, कंपनी को समझ के काम कीजिए। सर आपके फ्यूचर का सवाल है, आपके करियर का सवाल है, क्योंकि आप यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए नहीं आए हैं कि मैं साल 6 महीने काम करूँगा, सक्सेस होगा, ठीक हूँ, क्योंकि आप लोग एक बहुत अच्छे टाइम पर, बहुत अच्छी इंडस्ट्री के अंदर हैं, बहुत राइट टाइम पर काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, बने रहे, नेक्स्ट वीडियो का हमारा वेट कीजिए सर। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच।